अब थोड़ा मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले कैसे हो रहा है। इन बेसिक सॉल्यूशन हाइड्रोक्साइड आयन रिमूव्स वन प्रोटॉन फ्रॉम द अल्फा कार्बन एटम, अच्छा अल्फा कार्बन ऑफ द कीटो टॉटोमर्स फॉर्मिंग एन इनोलेट आयन। प्रोटोनेशन ऑन ऑक्सीजन फॉर्म्स एन इनोल टॉटोमर्स वेयर एज प्रोटोनेशन ऑन द अल्फा कार्बन रिफॉर्म्स द कीटो टॉटोमर्स। कैसा है कैसा देखो, पहले ये था हमारा एक कीटो फॉर्म, ठीक है शानदार भाई साहब थे, उसका बेस आया और बेस का डार्लिंग कौन है, मतलब बेस का हाइड्रोजन है बेस का गर्लफ्रेंड, जहां देखा बेबी चलो चलते हैं घूमने, क्या बोलेगा बेबी चलो चलते हैं मूवी देखने, चलो चलते हैं लॉन्ग ड्राइव में, ऐसे ही यहाँ पर भी बेबी चलो हम चलते हैं लॉन्ग ड्राइव, ठीक है भाई चले जा। तो ये तो चला गया उसका हाइड्रोजन को लेके, लेकिन वो बॉन्ड क्या हुआ यहाँ शिफ्ट हो गया और ये यहाँ आ गया, तो हो गया हमारा इनोलेट फॉर इनोलेट आयन, ठीक है हो गया इनोलेट आयन। देन जो पानी था ये वो माइनस होगा बस, देन जो पानी था इसको ये करके ये इनोल टॉटोमर हो गया, हो गया हो गया, ठीक है। एसिडिक मीडियम में क्या, ये था बेसिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में द कार्बोनाइल ऑक्सीजन ऑफ द कीटो टॉटोमर इज प्रोटोनेटेड एंड वाटर रिमूव्स ए प्रोटोन फ्रॉम अल्फा कार्बन फॉर्मिंग द इनोल। देखो कीटो फॉर्म था, ठीक है यहाँ पे क्या एसिडिक फॉर्म है, एसिड तो प्रोटॉन डोनर है, बेस क्या है बेस तो प्रोटॉन जहां देखा प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन देखा नहीं चलो बेबी घूमने चलते हैं, ठीक है लेकिन एसिड क्या है वो एच प्लस दे 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 दिया पहले ये प्रोटोनेट हो गया, ठीक है प्रोटोनेट हो गया। देन बेस भाई साहब है इस हाइड्रोजन को मतलब अल्फा हाइड्रोजन पकड़ के उठा के लेगा भाई चल यहाँ से, तो ये शिफ्ट हो गया ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और ये यहाँ आ गया, ठीक है तो फिर ये बन गया हमारा किटोइल टॉटोमर। एसिड फॉर्म एंड बेस फॉर्म समझ में आएगा, बेस फॉर्म में पहले क्या होगा बेस जाएगा हाइड्रोजन लेके भाग जाएगा, जो हाइड्रोजन और कार्बन का बीच बॉन्ड था वो शिफ्ट हो जाएगा कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच, एंड जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड था वो शिफ्ट होकर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, देन क्या होगा प्रोटोनेशन हो जाएगा जो वो माइनस, तो इनोलेट आयन इनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। बेस में क्या होगा ये था बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में हमारा क्या हुआ, एसिडिक मीडियम में हमारा पहले हमारा दानी एसिड भाई साहब एच प्लस दे दिया और वो क्या हुआ कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ प्रोटोनेट कर गया, फिर वाटर आया हाइड्रोजन को लेके भाग गया, जो हाइड्रोजन को लेके भाग गया तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड था वो शिफ्ट हो गया कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा और वो ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया वहां, वो जो ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो गया था ना वो एच प्लस हो गया था, तो सी एंड ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड वो शिफ्ट हो गया तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल होगा तो सी ओ एच होगा या डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है समझ में आएगा। टॉटोमेरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन, देखो इस वाले एरो का मतलब क्या सर क्या है, इतना पार्शियलिटी क्यों, ऐसे आप ऐसे नहीं लेके ऐसे 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 क्या है समझ में नहीं आया कुछ, इस वाले मतलब जिस साइड को एरो थोड़ा बड़ा है इसका मतलब है उसका मतलब एक्सटेंड ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ऐसे ये कीटो फॉर्म ये इनोल फॉर्म, ठीक है ज्यादा स्टेबल कीटो फॉर्म है इसीलिए ऐसे हमने सॉ किया है, तो इससे आप पता चल जाएगा जिस साइड को एरो ज्यादा बड़ा होगा वो ज्यादा स्टेबल है। देखो ये इसका परसेंटेज 98.8%, इसका सिर्फ 1.2%, देख रहे हो ये sp3 कहीं से भी शिफ्ट करा सकते हैं यहां से भी कर सकते हैं ऐसे हो। इन केस ऑफ साइक्लोहेक्सेन देयर आर टू sp3 हाइब्रिडाइज अल्फा कार्बन सिंस ऑल आर आइडेंटिकल द टॉटोमर फॉर्म आर, क्योंकि ये दोनों सेम है दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है अच्छा ऐसा है हाँ, द टॉटोमेरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन इज शोन अबव, अच्छा ठीक है देन टॉटोमेरिज्म इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन ये है हमारा इथाइल मिथाइल कीटोन, लेकिन यहां पे साइक्लोहेक्सेन में क्या था दोनों साइड जो अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन था ना ये दोनों सेम था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस लग रहा है मुझे, ऐसा क्यों फेल हो रहा है देख लेते, दोनों में ऐसा तो हमारा कीटो फॉर्म स्टेबल है, ठीक है पहले हमने क्या किया इस हाइड्रोजन को मतलब इसको अगर वन दे इसको टू देते हैं, ठीक है इस वाला अल्फा कार्बन से ये वाला हाइड्रोजन को हमने ले गए तो यहाँ डबल बॉन्ड था तो पहला इनोल फॉर्म ये बन गया, ठीक है दूसरा यहां से एक ले गए तो दूसरा ये बन गया इनोल फॉर्म वन इनोल फॉर्म टू,
अब बात आता है, ये दोनों तो कीटोफॉर्म से अनस्टेबल, मतलब कीटोफॉर्म से लेस स्टेबल है, लेकिन अब बात आता है इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, इनोल फॉर्म वन एंड इनोल फॉर्म टू दोनों आपस में बात करेंगे भाई कौन ज्यादा स्टेबल है, तू ज्यादा है या मैं ज्यादा हूं, बताओ कैसे होगा। इसके लिए जो अल्किन ज्यादा स्टेबल है वो उतना स्टेबल है, और अल्किन के स्टेबिलिटी के लिए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज्यादा है, मतलब जिसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है। हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर जानने के लिए हमने क्या किया था, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो ज्यादा स्टेबल है वो, जिसका नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो आसान भाषा में बताओ तो क्या होगा, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन आर मोर स्टेबल, ठीक है, यहां पर भी वही लिखा है। However, in case of 2i enol forms there are 6 alpha hydrogen, ऐसा है क्या, ये देखते 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 यही देखो CC, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 6 alpha hydrogen, यहाँ पे CH2, यहाँ पे सिर्फ 2 alpha hydrogen, ऐसा कैसे हो गया। तो enol 2 enol 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 form 1 and enol form 2 में जो बातचीत चल रहा था, अब enol form 1 बोलेगा enol form 2 से, भाई तेरे पास कितना alpha hydrogen है, enol form 1, भाई मेरे पास सिर्फ 2 alpha hydrogen, अरे 2 अल्फा हाइड्रोजन लेके आ गया तो मेरे पास कितना है पता है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अरे फिर भाई तो तू तो स्टेबल बन गया रे, मैं तो वही बोल रहा हूँ, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन लेके बोल रहे हम दोनों में स्टेबल के, क्या किस्मत है भाई तेरा 6 अल्फा हाइड्रोजन लेके, चलो कोई नहीं। तो समझ में आ गया आपको भी, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन इनोल कंटेंट, ठीक है, सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट है वो देखते हैं। इनोल कंटेंट इंक्रीजेस इन नॉन पुलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, अच्छा, एंड डिक्रीजेस इन पुलर प्रोटिक और पुलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो इनोल कंटेंट हमारा जो नॉन पुलर, ये याद रखना, नॉन पुलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन पुलर चाहे वो प्रोटिक हो चाहे वो अप्रोटिक हो उसमें कम होता है। इनोल कंटेंट ऑर्डर इन डिफरेंट सॉल्वेंट गिवन बिलो, बेंजीन, एसीटोन, मिथानॉल, ठीक है, हेक्सेन, तो हेक्सेन में आपका हेक्सेन में सबसे ज्यादा होगा इनोल कंटेंट, देन बेंजीन, देन एसीटोन, देन मिथानॉल, ठीक है, क्योंकि ये हेक्सेन बेंजीन ये क्या होता है आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट। नोट द स्टेबिलिटी ऑफ इनोल फॉर्म डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन फॉर्म, ओके, दस इफ देर आर टू और मोर पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इनोल देन द इनोल फॉर्म विथ मोर स्टेबल अल्किन विल बी फॉर्म मेजर, ये मैंने बता दिया पहले ही। स्टेबिलिटी ऑफ द टोटोमर्स क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ किटोइनोल टोटोमर्स, जनरली हमने ये बताया किटोफॉर्म आर मोस्ट स्टेबल, जनरली किटोफॉर्म आर मोस्ट स्टेबल, ठीक है, कुछ स्पेशल केस पे केमिस्ट्री है एक्सेप्शन के नाम पर दिमाग खाती है, ठीक है, ठीक है। तो जनरली द किटोफॉर्म ऑफ मोनोकार्बोनिल कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल देन इट्स इनोल, ऐसा क्यों होता है, मैंने तो बता दिया ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ, तो मानने कहने का मतलब है सीओ बॉन्ड एंड सी सी बॉन्ड में बॉन्ड स्ट्रेंथ सीओ बॉन्ड का ज्यादा होता है, वो पोलर बॉन्ड होता है, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ किटो कॉन्टेंट इज ग्रेटर देन इनोल कॉन्टेंट एंड इक्विलिब्रियम, इसीलिए होता है क्या। सेकेंड क्या है, विथ ईस्टर एंड एसिड द एडिशनल इंस्टेबिलिटी ऑफ इनोल रिजल्ट फ्रॉम लॉस ऑफ द स्टेबिलाइजिंग रेजोनेंस इंटरेक्शन बिटवीन कार्बोजिलेट एंड ऑक्सीजन एंड कार्बोनिल पाई इलेक्ट्रॉन दैट इज प्रेजेंट इन कार्बोनिल, ठीक है। तो कीटो में तो ये बात पहला रीजन ये रहेगा, दूसरा रीजन जो ईस्टर एसिड में क्या होता है जो एडिशनल स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी रेजोनेंस के थ्रू आता था वो इंटरेक्शन करना कीटोइनोल टोटोमेरिज्म के लिए बॉन्ड हो जाता है, ठीक है, ठीक है, इसीलिए ये एक्स्ट्रा इंस्टेबिलिटी ला देता है, ठीक है। टोटोमेरिज्म एंड परसेंटेज ऑफ कीटोफॉर्म इन एसिटोन गिवन बिलो, अच्छा, द टोटोमेरिज्म एंड परसेंटेज ऑफ कीटो देखते हैं। टोटोमेरिज्म देखो ये है कीटोफॉर्म, ये है इनर फॉर्म, ये 99%, ठीक है, और इसका क्या है 1% से भी कम है इनर फॉर्म, ठीक है। एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द, तो आज की क्लास में बस इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ टोटोमर्स के, तब तक के लिए बाय बाय।